मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम के आपके लिए लाए हैं पल्सर 150 cc, जिसके सोकर हमें ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बार बार तेल निकल रहा था, ऑयल लीक कर रहे थे, तो इस वजह से हम आपको दिखाएंगे सोकर कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे सोकर कैसे लीक हो रहे थे इसके। तो दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये सोकर किस तरह से लीक हो रहे हैं दोनों, और हम आपको दिखाएंगे सोकर इसके बाद कैसे भरते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने इसके सोकर पूरे तरीके से खोल लिए हैं, और हम आपको धोने जा रहे हैं, और धो के फिर आपको दिखाते हैं फिटिंग कैसे करते हैं, साफ सुथरे कैसे हुए। सोकर हमारे पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, और अब आपको दिखाएंगे फिटिंग कैसे करनी है, और कैसे कैसे कौन सा सोकर और कितना ऑयल डलेगा और कौन सी सील लगेगी इसमें। चलें, चालू है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सोकर की हमने पूरी तैयारी कर ली, और दिखाएंगे आपको सील कौन सी डलेगी। तो दोस्तों सील हमारी हमारे पास जेनवन है, बजाज की ओरिजिनल सील डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं सोकर के अंदर कितना तेल डलेगा और कैसे इसको फिटिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आप देख पा रहे हो कि हमने सोकर की राड ले ली है, और सोकर की राड हमने एकदम साफ़ सफाई से एकदम बढ़िया साफ़ सफाई कर ली है। अब इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर पंप, पंप के अंदर हमने इसके ऊपर पहले से स्प्रिंग लगाया हुआ और बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इस सोकर की राड, और सोकर की राड सबसे पहले चेक ज़रूर कर लें, जो अगर बाई चांस ख़राब है तो उसको चेंज ज़रूर कर दें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली जो सोकर की राड है, इस पर अगर कहीं निशान है, और जैसे आपको लग रहा है कहीं निशान है या कहीं धब्बे लग रहे हैं जिसमें, तो दोस्तों इस सोकर की राड को विशेष तरीके से चेंज कर दें, जिससे सोकरों की ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर जिस टाइप का अगर देख पा रही है बुश जो होता है, इस बुश को ज़रूर देख लें, अगर ये बुश ख़राब है तो इसको चेंज ज़रूर कर दें, जिससे सोकर की राड में और बॉटम के अंदर जाम नहीं हो ये सोकर की चीज़ को विशेष तरीके से ध्यान रखें। और हम आपको दिखाते हैं कैसे फिट करते हैं। पर हमने ये राड ले लिया, अब राड को हम एक तरीके से लगा लेते हैं, उसको यहाँ से ऐसे फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर पिस्टन का बुश लगाएंगे, तो ये वाला पिस्टन बुश है, तो ये पिस्टन का बुश ले लिया हमने, और ये बुश को इसको इस तरीके से लगा लें, और ये देख लें जाम नहीं हुआ और एकदम फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये एकदम फर्स्ट क्लास है और एकदम बढ़िया हो गया। अब हम इसके बाद बॉटम ले लेते हैं, बॉटम हमारा पूरे तरीके से साफ़ है, और हमने हर तरीके से इसको चेक कर लिया है। जिसको अब फिट करने वाले हैं, इसको देखो फिट कर दिया हमने इसके अंदर, और इसके अंदर फिट कर दिया बुश को भी इस तरीके हिला के इस तरीके से उठा दिया, तो आवाज़ आ जाएगी इस तरीके से। अब हम करेंगे और दिखाएंगे आपको, एक 6 नंबर बोल्ट ले लिया, एलईडी का बोल्ट ले लिया हमने इसे, अब इसके अंदर लगा लेते हैं, फिर इसको टाइट कर दें इस तरीके से। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, अब हमने पूरी तरीके से टाइट कर दिया इसको एलईडी से, कैसे बैठाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब हमने बुश ले लिया है, ये बुश देख रहे हो, तो ये बुश हमें इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों बुश इस तरीके से यहाँ पे हम इसके अंदर फिट कर देंगे, और इसके बाद लगाएंगे इसके वाशर, तो ये वाशर है, इस वाशर को हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने ले लिया ये बुश, जिससे हमें इसको बैठा देना है सील बुश को, और ये बुश बैठ जाएगा, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कैसे कैसे सील ठुकी। इससे पहले आप देख लें ज़रूर कि इसके अंदर बुश में कहाँ है, अभी अभी ऊपर की साइड है, और उसके ऊपर दिखाएंगे, फिर हमको बैठा देंगे तो जगह बन जाती है सील के लिए। तो सील हम बाद में बैठाएंगे, पहले इसके ऊपर हम बैठाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, सील हमारी पूरी तरीके से बैठ, ये सोकर का जो बुश है वो बैठ चुके हैं। अब बुश के बाद हम सील लगा देंगे इसके ऊपर, कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए राड के ऊपर, और बढ़िया तरीके से हिफाजत से काम करें। तो ये सील हमने ले ली, तरह सील है। तो दोस्तों सोकर की सील का नंबर है हमारा, पार्ट नंबर इसका नंबर है 6374। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सील होती है, और इससे बड़ी होती है 180 की और FZ की, और बाकी सब उससे छोटी हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस सोकर सील की जो बड़ी होती है, तो उस वजह से हमने चेक कर लिया, और आपको दिखाएंगे इस सील के बाद कैसे फिट होगा। तो दोस्तों हमने इसके अंदर वो ये बुश फिर से वही ले लिया है बुश, और इसको आराम से बिठा दें। दोस्तों हमने हथौड़ी से हथौड़ी ले लिया। दोस्तों सील हमारी पूरी तरीके से प्रॉपर बैठ चुकी है, अब इसके ऊपर लगा देंगे हम ये लॉक। तो ये लॉक ले लिया हमने, और इस लॉक को हम इस तरीके से बिठा देंगे। तो और एक पिन पेचकस ले लिया, जिसकी हम मदद से इसको आराम से लॉक अंदर कर देंगे। और इसके बाद हमने ये सील वाइपर सील बोलते हैं इसको, तो वाइपर सील इसके ऊपर लगा देंगे, जिसको धूल मिट्टी से रोकेगी ये सील। दोस्तों अब इसके बाद हम डालेंगे इसके इंजन इंजन ऑयल। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा है, गाड़ी का सोकर पूरा तैयार हो चुका है, और इसके बाद हमने ऑयल डालना रह गया था। तो ऑयल डालने से पहले हम आपको दिखा दें सोकर ऑयल कितना डलेगा। तो दोस्तों इसमें सोकर ऑयल डलेगा 170 ml डलेगा ऑयल, और उसके बाद फिर इसको ऑयल डाल लेते हैं, फिर आपको इसके बाद स्प्रिंग और बुश ऊपर लगा देते हैं, फिर लॉक कर दें इसको, फिर डाल देना है। तो ये सोकर ऑयल डाल दिया हमने इसमें, अब इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर
स्प्रिंग लगा दोस्तों, इस स्प्रिंग का विशेष ध्यान रखें कि ये जो लेवल है ऊपर से ऑयल नीचे आएगा और ये वाला सिस्टम नीचे रहेगा, ये जो गैपिंग है तो वो नीचे की पोजीशन रहेगी और ये पोजीशन रहेगी ऊपर की साइड। तो दोस्तों स्प्रिंग को इस तरीके से लगा लें जिससे परेशानी ना बने। दोस्तों एलियास के ऊपर ब्रश लगेगा और इस ब्रश के ऊपर देखो यहाँ पर वाश स्प्रिंग का वो लगा हुआ है और इस साइड से देखो प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर गैप कम है और इस साइड में हमने गैप ज़्यादा दे दी। तो दोस्तों इस वजह से हम इसको नीचे के साइड रखेंगे, तो ये पूरी वाशर के जुगाड़ बनाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमने ले लिया एलगी का बोल्ट, 14 नंबर एलगी का बोल्ट है ये। अब हम इसको ऊपर तरीके से टाइट कर देंगे, इसको इस तरीके से दबा देंगे और इस तरीके से टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इसको टाइट कर देना है, तो पूरी इसको दिखाएंगे एक जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस शॉकर को हम इस तरीके से चेक जरूर कर लें कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर टाइट है ये कैसे है, तो फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा टाइट भी ना होना चाहिए और ज़्यादा नॉर्मल भी होना चाहिए, जिससे हमारा शॉकर एकदम पूरा पर तरीके से काम करे। तो शॉकर हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया, अब आपको दिखाएंगे फिट। तो दोस्तों जैसे कि हम आप देख पा रहे हो हम इस शॉकर लगा रहे हैं, इस शॉकर को विशेष तरीके से लगा लें ध्यान से और पूरा एकदम अंदर की तक बैठ जाए, और जैसे बैठ जाएगा तो आपको गैप नज़र आ जाएगा। पाना ले लें, हैंडल टी का जो बोल्ट है हम उसको टाइट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कौन कौन से बोल्ट टाइट करने हैं। तो दोस्तों हमारा बोल्ट पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, अब हमने ये 6 की एलगी और ले ली, इसके बोल्ट को टाइट कर दिया। तो ये वाला 6 की का ऊपर का बोल्ट होता है प्लेट का, जिसको टाइट जरूर कर दें। अब उसके बाद दिखाएंगे हम मरगार्ड के बोल्ट भी लगाने, 6 नंबर की एलगी बोल्ट ले लिया, अब हम इसके अंदर मरगार्ड के अंदर लगा देंगे इसके अंदर। ये दोस्तों ये रहा बोल्ट। तो दोस्तों हमारे ये काम पूरी तरीके से प्रॉपर हो चुका है, शॉकर हमारा फिट हो गया और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा शॉकर भी फिट कैसे होगा और उसके बाद ट्रायल दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हमने एक्सेल ले लिया पहली साइड से और हम आपको दिखाएंगे, अब एक्सेल के बाद हमने इसको टायर को फिट कर रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको ट्रायल में कैसे, अगर कोई ज़्यादा परेशानी है तो इसको शॉकर को हल्का सा भीड़ा कर। तो दोस्तों जैसे कि ये भीड़ा हो रहा है तो हल्का से इसको खींच लें शॉकर को, जिससे हमारे शॉकर जो है ये टायर जो है आराम से बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से हमको ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है आपको तो एक बार शॉकर की राड को जरूर चेक करें, अगर टेढ़ी होगी तो ज़्यादा परेशानी जब भी बन सकती है। तो दोस्तों जिस तरह से एक बार शॉकर को देख लें, जाम तो नहीं हो रहे, अगर जाम हो रहे हैं तो उसको दोबारा से खोल के ठीक करें। तो दोस्तों शॉकर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं इसके बाद कैसे काम हुआ, फिर उसके मामले बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम आपको दिखाएंगे इसके बाद में, क्या हमने आपको बताना था ना क्या मतलब कैसे काम होता है। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि वीडियो में हमने किस तरीके से काम करा है, और इस तरीके से ही काम करें ताकि आपको शॉकर की परेशानी सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों इसी वीडियो में यहीं बने रहें, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। वंदे मातरम। तो दोस्तों वीडियो में यहीं बने रहें।